कितने लोगों की जरूरत होगी सर? आप 5-6 हज़ार लोगों की। 5-6 हज़ार काम मैम यही है, हेडफोन बनता है, स्मार्ट वॉच बनती है, घड़ी की लीडें बनती हैं, हेल्थ फ्री में यही बैठ के काम होता है आराम से, प्लस ओवर टाइम अलग है। कैंटीन है, कैंटीन में 10 रुपये चार्जेस लगता है, जो भर पेट खाना खाइए कोई उसका वो नहीं, को 26 दिन की ड्यूटी का 1000 रुपये बोनस मिलता है, आने जाने का बस है। सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों घड़ी और हेडफोन बनाने वाली कंपनी में 6000 लोगों की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये जो रोड देख सकते हैं, ये जो रोड है, इस रोड पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो कि वॉच बनाती हैं, मोबाइल फ़ोन बनाती हैं, हेडफोन्स बनाती हैं। इनमें से एक बड़ी कंपनी में जो कि हेडफोन बनाती है, घड़ी बनाती है, इसमें काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स मिले जिनके इंटरव्यू के थ्रू मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आप उन कंपनियों में अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑल ओवर इंडिया अगर आप आ रहे हैं तो कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, A to Z पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है राजकुमार। अच्छा, अभी आप कौन सी कंपनी के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ये जेट टाउन कंपनी के लिए। आप भी सर हायर करें, आप भी आ जाइए। आप कौन सी कंपनी के लिए हायर करें? जेट टाउन के लिए। जेट टाउन के लिए। तो अभी कौन कौन से लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? एलिजिबिलिटी यही 10-12 जो भी है, ग्रेजुएशन। अच्छा, इंसान अगर कोई आता है जॉब करने के लिए, कोई बंदा आता है तो उसको काम क्या करना होगा सर? काम मैम यही है, हेडफोन बनता है, स्मार्ट वॉच बनती है, घड़ी की लीडें बनती हैं, हेल्थ फ्री में यही होता है काम। अच्छा, बैठ के काम होता है आराम से। आराम से काम होता है। कितने घंटे काम करना होगा? 8 घंटे की ड्यूटी होती है। अच्छा जी। सैलरी कितनी दी जा रही है? 11.5 से 13.5 हज़ार रुपये सैलरी है। अच्छा, प्लस ओवर टाइम अलग है। अच्छा जी। और PF ESI रहने खाने की फैसिलिटीज? कैंटीन है, कैंटीन में 10 रुपये चार्जेस लगता है, जो भर पेट खाना खाइए कोई उसका वो नहीं, और PF आपका 10% PF कटता है, और आपको 26 दिन की ड्यूटी का 1000 रुपये बोनस मिलता है। अच्छा। और जैसे कोई नाइट की शिफ्ट करता है 11:30 से, उसमें 1500 रुपये एक्स्ट्रा और मिलते हैं। अच्छा। बस भी है, आने जाने का बस है। बस आपको मिलेगी जी। अच्छा। उसका बस का कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा। उसको बस है। अच्छा, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट? मैं हाँ दोनों ही हैं। अच्छा, क्या सर ये रेगुलर बेसिस पर आप लोग हायर करते हैं या प्रेजेंटली? रेगुलर। कितनी वैकेंसीज होंगी लगभग अभी आपके पास, कितने लोगों की जरूरत होगी सर? 5-6 हज़ार लोगों। 5-6 हज़ार। तो थैंक यू सो मच सर, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस वक्त हमें देख रहे हैं, और अगर वो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी है तो कहीं भी कहीं से भी है। अच्छा जी, यहाँ पर आप सीधा आप कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करवाइए। अच्छा। डायरेक्ट ज्वाइन होगी। तो ठीक है सर, आप मुझे नंबर दे दीजिएगा और मेल आईडी भी प्रोवाइड कर दीजिएगा, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं सर को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर यहाँ पर ही मिलेंगे, ये नोएडा सेक्टर कौन सा है सर? 63 सेक्टर। अच्छा, डी ब्लॉक सेक्टर 63 है नोएडा। अगर सर कोई और मतलब और भी नोएडा में कोई और भी सेक्टर में आती है या सिर्फ इसी सेक्टर के लिए है? आती तो मैम हर जगह के लिए है। अच्छा। लेकिन अभी जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो यहीं के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, बेसिकली आपको आप कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपके थ्रू लोग हायर करते हैं ना? जी हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स मैंने सभी अप्लाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही साथ जो HR ने, जो कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे नंबर प्रोवाइड किए थे वो भी मैंने आपको दे दिए हैं। आपको बताना चाहूँगी कि ये जो वैकेंसी है ये 100% फ्री है, कोई चार्जेस कोई फीस नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम नीचे नंबर नहीं दिया हुआ है, तो देखिए आपको इस तरीके से जो लिंक मैं प्रोवाइड करती हूँ वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो jobnow247.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप चेकआउट कर सकेंगे कि सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखिए इस तरीके से जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है वैसे आपको दिखाई दे जाएगी। यहीं पर आपको डायरेक्टली HR का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, मेल आईडी भी मिल जाएगी और पूरी A to Z इंफॉर्मेशन रिटन में भी आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी। सो फ्रेंड्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन की है या फिर ITI का डिप्लोमा किया है, आप अपने लिए बड़ी कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो आप इनके थ्रू इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके पास बहुत सारी और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं जो कि अलग अलग कंपनी में होती है, आप उनके लिए भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए। ग्राउंड लेवल की पूरी जानकारी आपको आपके अपने YouTube चैनल jobnow247.com पर ही मिलती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।